आखिरकार 13 साल बाद वो सपना 2024 में जो है पूरा हो ही गया, क्योंकि इंडिया जो है लास्ट अपना आईसीसी ट्रॉफी 2011 में ही जीती थी। उसके बाद वो कई बार फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले, वहाँ पे उसको हर बार निराशा ही देखने को मिला था। लेकिन जो है 2024 में साउथ अफ्रीका और इंडिया का T20 फाइनल जो है, उसमें इंडिया ने अपने 7 रनों से अपने खिताब को नाम कर लिया। दरअसल एक समय ऐसा लग रहा था कि इस बार भी आईसीसी ट्रॉफी देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो है हेनरी क्लासन साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें कि वह 27 गेंदों पे 52 रन की ताबड़तोड़ पारी साउथ अफ्रीका की तरफ से खेले थे, जिसमें कि 5 छक्के और 2 चौके उसमें शामिल थे। और आखिरकार जो है अक्षर पटेल के आखिरी ओवर में उसने 24 रनों का एकदम बहुत ही बड़ा ओवर बना दिया। उस ओवर के बाद शायद हमें नहीं लग रहा था कि इंडिया यहां से वर्ल्ड कप जीत सकती है, क्योंकि रन अप बॉल बाकी था, क्योंकि 30 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत थी। और स्ट्राइक पर थे हेनरी क्लासन और डेविड मिलर वहां पे बल्लेबाजी कर रहे थे, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी। और वो खुश भी हो रहे थे, ड्रेसिंग रूम में आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही खुशी का माहौल था, क्योंकि 30 गेंदों पे 30 रनों की जब जरूरत थी तो वहाँ पे जो है बल्लेबाजी हेनरी क्लासन और यहाँ पे डेविड मिलर कर रहे थे। और उसके बाद भी एक बल्लेबाज उसको आना था, जो कि मार्को एंडरसन, वो भी यहाँ पे ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते थे। लेकिन तभी जो है हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग करने के लिए हार्दिक पांड्या के हाथों में जिम्मेदारी दी, जिसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने फर्स्ट ही बॉल पे हेनरी क्लासन को कैच आउट करवा के, ऋषभ पंत से कैच आउट करवा के उसको ड्रेसिंग रूम में जो है भेज दिया। जैसे ही हेनरी क्लासन आउट हुए तो यहाँ पे इंडिया का जो है ड्रेसिंग रूम और उसका जो भी प्लेयर का इमोशनल था वो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ से लग रहा था कि इंडिया यहाँ से वर्ल्ड कप जीत सकती है। फिर उसके बाद मार्को एंडरसन आए बल्लेबाजी करने के लिए, उसने 2-4 गेंद खेली और 2-4 रन भी बनाए, लेकिन अगले ही ओवर में बुमराह ने इसको क्लीन बॉल करके पवेलियन का रास्ता यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज, जो कि बुमराह ने उसको यहाँ पे 2-4 गेंद डॉट कराया, जिससे कि दबाव साउथ अफ्रीका पे बढ़ते गया और यहाँ से इंडिया लग रहा था कि अब यहाँ से इंडिया मैच जीत जाएगा। उसके बाद आखिरी ओवर में 6 गेंद पे 16 रनों की जरूरत थी, फिर से कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी का जिम्मा हार्दिक पांड्या के हाथों में थमा दी। फिर हार्दिक पांड्या ने फिर से इंडिया टीम को निराश नहीं किया, क्योंकि उसने फुल टॉस बॉल पे डेविड मिलर को पहली ही बॉल पे सूर्य कुमार के हाथों से सबसे बेहतरीन कैच यहाँ पे करवा लिया। ठीक है, यानी सूर्य कुमार यादव का जो सबसे T20 का बेस्ट कैच उसने लपका, वो भी फाइनल में, वो भी डेविड मिलर का, जिस समय इंडिया की जरूरत थी कैच लेने के लिए उसी समय उसने जो है काम कर दिया, क्योंकि 6 गेंदों पे 16 रन की जरूरत थी और डेविड मिलर बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे थे। अगर वह रह जाते शायद ही इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत पाती, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है फर्स्ट ही बॉल पे फुल टॉस गेंद पे डेविड मिलर को लॉन्ग ऑफ पे सूर्य कुमार के हाथों यहाँ पे कैच आउट करवा दिया, उसके बाद उसको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही डेविड मिलर आउट हुए, उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कागिसो रबाडा, उसने हार्दिक पांड्या के अगले ही बॉल पे थर्ड मैन की तरफ एक चौका यहाँ पे जड़ दिया। चौका जड़ने के बाद पूरा दबाव जो है हार्दिक पांड्या पे था, क्योंकि उस समय जो है इंडिया का स्कोर जो है 3 बॉलों पे 11 रनों की जरूरत थी, तो हार्दिक पांड्या पे सारा कुछ यहाँ पे दबाव था। फिर उसने जो है लगातार 2 बॉलों पे 2 सिंगल दिया। उसके बाद अगली ही गेंद पे उसने वाइड फेंक दी। वाइड फेंकने के बाद आखिरी 2 गेंदों में साउथ अफ्रीका को चाहिए था 2 बॉल पे 9 रन। उसके बाद अगली ही गेंद पे हार्दिक पांड्या ने कागिसो रबाडा को यहाँ पे सूर्य कुमार यादव से फिर से कैच आउट करवा दिया, जिसके बाद इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पूरा यहाँ पे खुशी का माहौल आ गया, क्योंकि आखिरी बॉल पे साउथ अफ्रीका को 9 रनों की जरूरत थी और अगले ही बॉल पे लास्ट बॉल में हार्दिक पांड्या ने एक सिंगल देकर 13 साल का जो सपना था वो 2024 में साकार कर दिया। और इस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच रहे हमारे प्यारे विराट कोहली, उसने जो है 59 गेंदों पे 76 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली, जिसमें कि उसने 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। क्योंकि इंडिया जब टॉस जीत के बैटिंग करने के फैसला किया तो कुछ समय तक सही रहा, क्योंकि पहले ही ओवर में कोहली ने 3 चौका यहाँ पे मार दिया था मार्को एंडरसन को। उसके बाद जो है केशव महाराज बॉलिंग करने आए, उसके बाद वहाँ पे भी रोहित शर्मा ने 2 चौके लगातार मार दिए। उसके बाद जो है फिर से यहाँ पे विकेट गिरना शुरू हो गया, जिसमें कि रोहित शर्मा आउट हो गए, ऋषभ पंत आउट हो गए और यहाँ पे जो है सूर्य कुमार यादव भी आउट हुए। तो उसमें जो है पार्टनरशिप की जरूरत थी, जो कि कोहली और यहाँ पे जो है अक्षर पटेल ने बखूबी कोहली का साथ दिया और जो है चौथे विकेट के लिए बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप की। उसके बाद जब उसको रनों की जरूरत थी तो अक्षर पटेल ने यहाँ पे खूब हाथ खोले और यहाँ पे जो है कोहली ने भी लास्ट में बहुत ही चौके छक्के मारे। उसके बाद जो है इंडिया 20 ओवर में 176 रन पे 7 विकेट खो करके बना लिए थे और जीत के लिए चाहे 177 रन, जो कि बोलरों ने काफ़ी यहाँ पे शानदार बॉलिंग किया, जिसमें कि
जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट शानदार विकेट लिए, रिजा हेंड्रिक्स और यहाँ पे जो है मार्को जॉनसन को बोल्ड कर दिया, ठीक है दोनों ही बोल्ड किए थे। और यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ यहाँ पे तीन विकेट लिए, जिसमें कि हेनरी क्लासन, ककिशोर अवाडा और यहाँ पे डेविड मिलर जिसमें शामिल थे। और वहाँ पे अर्शदीप सिंह ने भी बहुत ही अच्छा बॉलिंग की, जिसमें कि एडम मार्करम और यहाँ पे क्विंटन डिकॉक को उसने पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन इस मैच में जो स्पिनर का यहाँ पे पिच नहीं था, क्योंकि स्पिनर जो है बहुत ही रन मरवा रहे थे। कुलदीप यादव भी अच्छे, यहाँ पे कोई भी विकेट उसको नहीं मिला, जडेजा को भी कोई विकेट नहीं मिला। और अक्षर पटेल जो है चार ओवर में 49 रन दे करके एक विकेट उसने नाम किया था, जो कि क्रिस्टल स्टफ्स का उसने विकेट लिया था। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि इस साल भी हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हेनरी क्लासन जो है बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर वो हेनरी क्लासन आउट नहीं होते तो दो ओवर पहले ही यानी साउथ अफ्रीका मैच जीत जाती, यानी वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेती। लेकिन हार्दिक पांड्या जो कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के हाथों में गेंद सौंपी, उसने निराश नहीं किया और हेनरी क्लासन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा करके वहीं से जो है मैच का टर्निंग पॉइंट आ गया, जिससे कि हम लोग 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत चुके। आखिरी बार हमने T20 का वर्ल्ड कप 2007 में ही जीता था, उसके बाद जो है हम लोगों ने 2024 में अपने वर्ल्ड कप को नाम किया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही दो यहाँ पे भारत के लिए यहाँ पे बहुत ही दुखद खबर आई, कि जिसमें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है इस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यानी T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऐलान कर दिया कि यह जो T20 वर्ल्ड कप था उसका आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। इसके बाद जो है आगे अब रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल T20 नहीं खेल पाएंगे। तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, आखिरकार हमने वर्ल्ड कप जीत लिया तो हमें बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। क्योंकि रात भर हम भी सोए नहीं थे, हम क्या बहुत ही लोग यहाँ पे सोए नहीं थे, क्योंकि जो है रात में 2-3 बजे तक यहाँ पे मैच ही देख रहे थे। मैच जीतने के बाद भी यहाँ पे जो ट्रॉफी किसने खाया क्या किया सारा कुछ वही देख रहे थे। तो चलिए इंडिया ने वर्ल्ड कप नाम कर लिया, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। हम ऐसे ही भगवान से दुआ करते हैं कि इंडिया हर बार जो है ICC ट्रॉफी अपने ही नाम करे।